सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। पेज लेआउट पर जाएंगे, साइज पे जाएंगे और यहाँ से हम A5 को सेलेक्ट कर लेंगे। पेज के मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से हम नैरो सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी मोटाई को 4 PT वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम टेबल ऐड करेंगे। इसके लिए हम 5 कॉलम और 5 रो लेंगे। जब इस तरह से माउस का पॉइंटर हो जाए तो यहाँ से ड्रैग करके इसे नीचे खींच लें और यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट करके इन सबको इरेज कर लें। अब इंसर्ट में जाकर सेप पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को लेकर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर्स। इसे सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर लेंगे, इसे साइज को बढ़ा के 12 कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेप फिल, सेप आउटलाइन आउटलाइन क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। यहाँ पे एस्टिमेट यहाँ से फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ से यहाँ पे डालेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। फिर से हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेप और लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लाकर ड्रॉ करेंगे। शॉप का नाम टाइप करेंगे, लैपी वर्ल्ड सेंटर सेलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे और इसके साइज को बढ़ा के 26 कर लेंगे, इसे बढ़ा लेंगे। सेप फॉर्मेट नो फिल, सेप आउटलाइन नो आउटलाइन। फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे सेप और टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लाकर यहाँ पे हम लिखेंगे मेरे यहाँ स्पेशल सर्विस है कैश ऑन डिलीवरी, तो उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और इसके सेप को चेंज करेंगे, जैसे कोई भी एक आप सेलेक्ट करते हैं, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पीला डॉट दिखाई देगा, इसे अंदर की ओर खींचेंगे तो ये राउंड शेप ले लेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेप को फिल कर देंगे कलर्स, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। अब फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपने शॉप का एड्रेस पटना, इसे सेलेक्ट करेंगे बोल्ड करके इसके साइज को 14 कर लेंगे। क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेप फिल नो फिल सेप आउटलाइन नो आउटलाइन। तब फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, सेप पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स डॉट इसे सेलेक्ट कर ले, इसे बोल्ड कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके 14 कर ले, थोड़ा सा ऊपर के बढ़ाएंगे तो ठीक से दिखाई देगा। क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेप फिल नो फिल सेप आउटलाइन नो आउटलाइन। उसके बाद फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, सेप टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे यहाँ डालेंगे डेट, लेंगे इसके साइज को 12 कर लें। फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, सेप टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, सेप फिल सेप आउटलाइन नो आउटलाइन। यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, नीचे एड्रेस, नेम एड्रेस होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेप फिल सेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसको आप ऊपर ट्रैक करके खींच कर लें, नीचे करेंगे खींच कर लेंगे, इसकी साइज बड़ा कर लेंगे, इसको जो लिखना है इसका 60 साइज करेंगे, क्वांटिटी रेट और ये अमाउंट इसमें डालेंगे, सीरियल नंबर
सेलेक्ट करके कर लेंगे बोल्ड साइज को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, सेप लेंगे, सेप में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। आर्टिकुलर सेलेक्ट कर लें, करते हैं बोल्ड कर लें और इसे बड़ा कर लें। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट सेप फील सेप आउटलाइन नॉट लें, इसे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से करके यहाँ तक लें छोड़ कर यहाँ से सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करके यहाँ पे डालें क्वांटिटी, यहाँ से आप इसे बीच में कर लें, कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ से इसको यहाँ यहाँ पे डालेंगे डेट, कंट्रोल प्रेस करें और फिर से यहाँ यहाँ इसको ड्रैग करके यहाँ पे कुछ प्लेस में डालेंगे अमाउंट, इसको ड्रैग करके और नीचे एक ही पेज में आ जाए जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे सेट करें। यहाँ पे डिजाइन टाइप पे जाए इरेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे में जो जो जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर लेंगे, जो कर लिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे इरेजर हटाएंगे और इसको यहाँ पे अब यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल बोल्ड करके इसके साइज को बढ़ा दें। अब यहाँ फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से लेंगे सेप टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे कस्टमर सिग्नेचर, क्लिक करेंगे नो फील नो आउटलाइन, इसको बोल्ड कर ले, क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देंगे कॉपी और यहाँ पे लेके डालेंगे सेलर सिग्नेचर, कॉर्नर में लाके छोड़ देंगे जहाँ आपको लगे कि परफेक्ट हो गया है वहाँ पर आप लाके इसे छोड़ सकते हैं। अब इसमें हम डिजाइन टैब पे जाएंगे, ड्रॉ पे और पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे, पेंसिल का साइज लेंगे 1 PT और यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सब को एक एक करके दो कर लेंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कैसे ये दिख रहा है, सारा कुछ ठीक है। अब इसे हम पेज लेआउट पर जाएंगे, इसे कलर करेंगे, इस पर मैंने ये कलर कर दिया है, बिल बुक रेडी हो गया, यहाँ से जाकर इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पे जाकर आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर, वहाँ से आप यहाँ से उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।